और यही रीजन है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे इंजीनियर्स मन से काम नहीं कर रहे हैं, दिल से काम नहीं कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राजीव रंजन एंड यू आर वाचिंग डाइवर्सन माइंड। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग सुधीर चौधरी को तो जानते होंगे, जो जी न्यूज में एंकर रह चुके हैं और फिलहाल अभी आज तक को ज्वाइन किए हैं, और जो उनका नया शो है ब्लैक एंड व्हाइट, तो उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट में वो एविएशन के ऊपर काफी अच्छा एक्सप्लेन किए हैं। तो मैं वो वीडियो देखकर काफी खुश हुआ और आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो देखना चाहिए अगर आप जेन्युइनली एविएशन लवर हो और एविएशन के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हो, नॉलेज चाहते हो कि फिलहाल में अभी एविएशन में क्या चल रहा है। सुधीर चौधरी ने उस वीडियो में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टेक्नीशियन का जो मुद्दा है उस पे एक्सप्लेन किया है, और इतने इमरजेंसी लैंडिंग क्यों हो रहे हैं आखिर इंडिया में उसके ऊपर एक्सप्लेन किया है, जो एयरलाइंस में धांधली चल रहा है उसके ऊपर एक्सप्लेन किया है, जो इंजीनियर्स का काम जूनियर टेक्नीशियन कर रहे हैं उनके ऊपर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके सुधीर चौधरी का ब्लैक एंड व्हाइट का जो एपिसोड है वो जरूर देखना, आपको वहां से बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। बट गाइस, आज के इस वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूं इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में। तो गाइस, आज फिर से इंडिया में इमरजेंसी लैंडिंग हुआ, एयर इंडिया का विमान दुबई टू कोची जा रहा था और उसी बीच में जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो डिप्लॉय करना पड़ा, बिकॉज जहाज का जो अंदर में प्रेशर होता है वो कम हो गया। अगर जहाज के अंदर प्रेशर कम हो जाता है तो जो पैसेंजर हैं उनको सफोकेशन होने लगता है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होता है, बिकॉज उतने हाइट पे जो नॉर्मल वेदर है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है अगर प्रेशर लीक होता है। तो वही हुआ दुबई टू कोची एयर इंडिया के 787 ड्रीम लाइनर एरोप्लेन के साथ, उसमें प्रेशर लीक कर गया और पैसेंजर्स को डिसकंफर्ट हुआ, सफोकेशन फील होने लगा, उसके बाद ऑक्सीजन मास्क को डिप्लॉय करना पड़ा, बिकॉज उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। और जैसे ही ये घटना हुआ उसके बाद तुरंत इसका इमरजेंसी लैंडिंग मुंबई में करवा दिया गया। तो गाइज, मेरा भी क्वेश्चन आपसे यही है आज का कि पहले उतना इमरजेंसी लैंडिंग नहीं होता था, लेकिन अभी के टाइम में जब पायलट सैलरी के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, पायलट अपना सैलरी स्लिप हर जगह पे पोस्ट कर रहे हैं, केबिन क्रू स्ट्राइक कर रहे हैं, स्पेशली जो एयरक्राफ्ट को एयरवर्थी रखते हैं यानी कि उड़ने के कंडीशन में बनाए रखते हैं, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स टेक्नीशियंस वो सैलरी को लेकर काफी नाराज हैं एयरलाइन से, और इन सब के बीच अगर बार बार इमरजेंसी लैंडिंग का जो न्यूज है वो आता है, तो इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, वो एयरलाइन कंपनी ही है इसका वो एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है। बिकॉज जब तक आप इम्प्लॉयज को खुश नहीं रखोगे तब तक वो अपने डेडिकेशन के साथ, अपने फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल मेहनत के साथ वो काम नहीं कर सकता है। और यही रीजन है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे इंजीनियर्स मन से काम नहीं कर रहे हैं, दिल से काम नहीं कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर दिल से काम नहीं करोगे आप, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग एक इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा इंजीनियरिंग फील्ड है, इसमें गलती का तो कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर आप मन से काम नहीं करोगे तो भैया सब छोटी मोटी तो गलतियां होती रहेगी। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अभी जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ड्यू टू टेक्निकल फेलियर की वजह से हो रहे हैं, यानी कि मेंटेनेंस फेलियर की वजह से हो रहे हैं, उनको ढंग से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। और आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है एविएशन सेक्टर में, बिकॉज जब हम लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि यार 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वो 2 घंटे का सफर कब लाइफ टाइम बन जाए कोई नहीं जानता। मतलब आपको तो ये लगता है कि यार मैं बहुत ही सेफ जर्नी कर रहा हूँ, लेकिन अभी के टाइम में सच्चाई कुछ और है। अभी कोई भी परवाह नहीं कर रहा है, कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी इंजीनियर परवाह नहीं कर रहा है कि कैसे भी जहाज उड़ जाए, है ना। तो यही था आज का वीडियो, यही था आज का अपडेट। आशा करता हूँ आपको आज का न्यूज़ अच्छा लगा हो, आज का न्यूज़ जेन्युइन लगा हो, आज का न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी तरह से मैं एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड टाइम टू टाइम वीडियो यहाँ पे देते रहता हूँ, ताकि आपको और भी कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े। और गाइस, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी, सी यू, जय हिंद।